आज हम लोग सीखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहां नीचे में ब्रैकेट में लिखे हैं फॉर नेचुरल इंडेक्स, उसका मतलब समझा दे, बाई मीन्स टू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हम यूज करें, ईच टर्म को ईच टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ए को ए से, ए को बी से, बी को ए से, बी को बी से। इसमें दो टर्म है ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में भी दो टर्म है, कुल यहां पे चार टर्म आएगा, ए स्क्वायर, ए बी, बी ए, बी स्क्वायर। चूंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, यानी पांच गुने चार लिखिए या चार गुने पांच, दोनों सेम नंबर है, तो दोनों को कंबाइन करके हम एक नंबर बना दिए और इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करके एक आइडेंटिकल एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिए। दोनों आइडेंटिकल है, ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, देयर से ए प्लस बी का होल क्यूब, इस बार भी ब्रैकेट में दो ही टर्म है, का क्यूब का मतलब ए प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी। इस बार भी वही करना है, हर को हर से गुना करना है, हर बार गुना करते वक्त तीनों ब्रैकेट में से एक एक टर्म उठाएंगे, जितना तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है वो सब यहां लिखना होगा, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। दिस दिस दिस, इस ब्रैकेट में से एक टर्म, इस ब्रैकेट में से एक टर्म और इस ब्रैकेट में से एक टर्म, जो भी उठाइए लेकिन एक एक टर्म। अगला टर्म दिस दिस दिस, सिस्टमैटिकली लिखेंगे तो एक भी छूटेगा नहीं। कुल कितना टर्म्स यहां आएगा वो हमको पहले से पता है, आप जो मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग इनटू समथिंग करके यहां एक्सप्रेशन को लिखते जाएंगे। तो ये पहला डैश भरने का दो विकल्प है, ये नंबर या ये नंबर, इसके लिए दो विकल्प है, ये नंबर या ये नंबर, और इस स्थान के लिए दो विकल्प है, टू इंटू टू इंटू टू, आठ टर्म यहां आएगा। अगर आठ से एक भी कम आता है तब समझ जाएंगे कि अच्छा कुछ मिस कर गए। दिस 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 दिस, अब दिस 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 दिस, हम ए को फिक्स रखें, पहली बार ए ए फिक्स रखें और दो विकल्प था मेरे पास, दूसरी बार ए और बी रखें फिर दो विकल्प था, अगली बार बी से शुरू करें, वही बी ए ले दो विकल्प, बी बी ले फिर दो विकल्प, चार टर्म और आएगा, बी ए इंटू ए, बी ए ए, बी ए बी, बी बी ए, बी बी बी, हो गया, इतना ही टर्म्स आना था। अब सबको इकट्ठा भी करेंगे, जैसे ए स्क्वायर बी अगर तीन बार दिख रहा है, इन तीनों को अलग अलग क्यों लिखेंगे, थ्री टाइम्स ए स्क्वायर बी कर देंगे, और ये तीनों एक जैसा टर्म है अलग अलग क्यों लिखेंगे, यानी कुल मिलाकर के इनको जब हम समेटेंगे तो एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म सिमट के इस एक्सप्रेशन का आइडेंटिकल एक्सप्रेशन है ये, बट ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो जो हम कर रहे हैं उसको कहते हैं एक्सपेंड करना। इसी प्रकार हम a प्लस बी टू द पावर फोर का हम कहें कि एक्सपेंशन कीजिए, तो एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा a प्लस बी से, फिर यहां पे एक एक्सप्रेशन आ जाए। यही हमको सीखना है कि जैसे ही हम a प्लस बी टू द पावर फोर का आइडेंटिकल एक्सपेंडेड फॉर्म कहें कि लिख दिए, तो आप तुरंत लिख दें बिना इतना मेहनत के, क्योंकि एक पैटर्न है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि एक पैटर्न है, हम चूंकि ये पैटर्न जानते हैं तो हम तुरंत लिखने वाले हैं। देखिए हम लिख रहे हैं, ए प्लस बी टू द पावर फाइव भी हम
उतना ही जल्दी से लिख दें, ए प्लस बी टू द पावर 2020 उतना ही तेजी से लिख दें और आप भी लिख पाएंगे आज के क्लास समाप्त होने तक। यहां ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म्स है उनका संख्या दो है, अगर हम दो से अधिक कर दें, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब कहें कि इसको एक्सपेंड करके एक आइडेंटिकल एक्सप्रेशन क्रिएट कीजिए, तो इस बार ए प्लस बी प्लस सी गुणे ए प्लस बी प्लस सी करना है, इसको इन तीनों से, फिर इसको इन तीनों से, कुल मिला के 3 times 3 9 टर्म्स आएगा। हम लोग गुना करके लिख लेंगे, ए स्क्वायर पता है तो हम लिख दे रहे हैं 2ab + 2bc + 2ca, इसको बोलते हैं मल्टीनोमियल, इनको बोलते हैं बाइनोमियल्स। ब्रैकेट के अंदर दो टर्म अगर हो तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और जो आप कर रहे हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल का एक्सपेंशन। और अगर ब्रैकेट के अंदर मोर देन टू टर्म्स हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो सकता है टू द पावर ऑफ 5, ऐसे एक्सप्रेशंस को बोलते हैं मल्टीनोमियल, इनका एक्सपेंशन हम लोग को नहीं सीखना है। मतलब यू शुड बी अवेयर कि हमको क्या सीखना है, जैसे हम अगर अलजेब्रा किताब में मेरे खोलिएगा बाइनोमियल चैप्टर में, तो हम मल्टीनोमियल एक्सपेंशंस को भी डिस्कस किए पर यहां नहीं डिस्कस करेंगे क्लास में, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है बाइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म। यहां जो पावर में हम लिखे हैं ऊपर में, इस नंबर को देखिए, ये नंबर हम लिख रहे हैं नेचुरल नंबर 2, 3, 4, 2020, ये सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए हम लोग उसका आइडेंटिकल एक्सप्रेशन पढ़ना है, यही यहां लिखे हैं फॉर नेचुरल इंडेक्स। इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, हमको सिर्फ पढ़ना है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेचुरल इंडेक्स। मतलब ए प्लस बी टू द पावर, यहां जब भी कोई नंबर लिखा जाएगा इट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, तो उसका करस्पॉन्डिंग आइडेंटिकल एक्सप्रेशन हम तुरंत बता देंगे। दैट डज नॉट मीन कि हम यहां पे हाफ नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाफ, इट इज अ मीनिंगफुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हम लिखे 2x + 3 का स्क्वायर रूट, इट इज अ मीनिंगफुल मैथमेटिकल फंक्शन। एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस फंक्शन का वैल्यूज पूछिएगा तो हम बता देंगे, सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है। 2x + 3 का वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी हम एक्स का वैल्यूज -3/2 से बड़ा ही कोई रियल नंबर के लिए ये डिफाइन है, क्योंकि स्क्वायर रूट भी तो निकालना है ना। अगर हम f ऑफ 5 पूछेंगे तो 5 × 2 + 3 = 13 का स्क्वायर रूट, सो दिस इज अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि इसका एक आइडेंटिकल एक्सपेंडेड फॉर्म इसी फंक्शन का लिख डालिए। हाँ, यहां पे हम अगर टू द पावर 3 दें तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर कि हम इसका एक एक्सपेंडेड वर्जन भी लिख सकते हैं। अगर यहां पे हम एक ऐसा नंबर लिख दें विच इज नॉट नेचुरल, बट ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोलते हैं, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म इंटीजर बट इंटीजर को रैशनल बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर सब तो रैशनल हो ही गया, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं 5/1। रैशनल नंबर्स के सबसेट हो गया नेचुरल नंबर्स। लेकिन हमको जो पढ़ाई करना है उसमें बाइनोमियल और इंडेक्स में सिर्फ नेचुरल नंबर्स लिखा होगा, नेचुरल नंबर्स के अलावा कोई और नंबर नहीं लिखा होगा, मैंने लिखा होगा लेकिन हमको एक्सपेंड करने नहीं आता है। जबकि न्यूटन, ये भी न्यूटन ही का है, ये जो आगे हम बताने वाले हैं कि आप जैसे ही इसका एक्सपेंशन पूछेंगे आप तुरंत बता देंगे, ये भी क्रेडिट न्यूटन को जाता है। न्यूटन इसका भी आविष्कार किए हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी रैशनल
नंबर इंडेक्स में लिखा हो, इसका भी न्यूटन कहते हैं कि एक आइडेंटिकल एक्सपेंडेड फॉर्म हो सकता है। किताब मेरा खुलिएगा अलजेब्रा का, तो एक चैप्टर हम डिवोट किए हैं ओनली फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी रैशनल इंडेक्स, वो चैप्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये बहुत जरूरी है जानना कि हमको क्या पढ़ना है। तो हमको पहला चीज आपको बताना है कि a प्लस बी टू दी पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर का आइडेंटिकल एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तुरंत लिख दे, ए सिखाएंगे। x प्लस वाई टू दी पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक आइडेंटिकल एक्सपेंशन हमको सिखाना है, सीखे। अगर हम लोग कुछ एक्सपेंशन को फिर से लिखें, a प्लस बी टू दी पावर 1 का एक्सपेंशन, a प्लस बी का a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, a प्लस बी क्यूब, इन्हीं को देख करके न्यूटन को भी ना दिमाग में आया, हम लोग भी देखते हैं पैटर्न शायद दिखेगा, केवल अनुसरण क्यों करें हम लोग तोता की तरह, लेट अस यूज अवर ब्रेन्स ऑल्सो एंड देन वील अप्रिशिएट न्यूटन। यस दैट इज वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ए प्लस बी टू दी पावर 4, ए टू दी पावर 4 प्लस 4 टाइम्स ए क्यूब बी 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 ए बी क्यू प्लस बी टू दी पावर 4। एक पैटर्न दिखना चाहिए आपको, क्या क्या दिख रहा है कि इस एक्सपेंशन में देर आर 3 टर्म्स, इसके एक्सपेंशन में देर आर 4 टर्म्स और इसके एक्सपेंशन में देर आर 5 टर्म्स। यानी a प्लस बी टू दी पावर n का जब एक्सपेंशन करना होगा तो पहला ऑब्जर्वेशन हम लोग का है कि there will exactly be one more n plus 1 terms, that is the first observation, n plus 1 terms होगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन पैटर्न को देखिए, जब a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन लिख रहे हैं तो a क्यूब से शुरू होता है पहला टर्म और उसके बाद हर सक्सेसिव टर्म्स में a का पावर घटता जा रहा है, अभी का बढ़ रहा है, a का पावर घट रहा है, b का बढ़ रहा है, a का पावर गायब हो गया, b का पावर 3 हो गया। हर टर्म का जो डिग्री है वो सेम है, यानी a का पावर और b का पावर दोनों को ऐड कर दीजिए तो हर टर्म का सेम है। ऐसे एक्सप्रेशंस को बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3, इसको ऐसे एक्सप्रेशंस को बोलेंगे जिसमें हर टर्म सेम डिग्री का है, यानी जो वेरिएबल्स है a और b उन दोनों का पावर को हम ऐड कर दें ईच टर्म में सेम है। दिस इज माय सेकंड ऑब्जर्वेशन। इस एक्सप्रेशन में देखिएगा तो इट इज अ होमोजेनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2, हर टर्म में वेरिएबल्स का पावर को ऐड करने पर 2 आएगा। ये फोर्थ डिग्री का होमोजेनियस एक्सप्रेशन दिख रहा है, फोर्थ डिग्री 1 प्लस 3, यहां a टू द पावर 0 है, b टू द पावर 4 है, यहां a टू द पावर 4 है, अब b टू द पावर 0 है। तो इस ऑब्जर्वेशन के अनुसार अब इसको एक्सपेंड करके जो टर्म सब आएगा वो हम लिख सकते हैं, a टू द पावर n से शुरू करें, nth डिग्री का होमोजिनिटी दिखेगा, होमोजिनिटी a टू द पावर n से शुरू करेंगे, नेक्स्ट टर्म में a का पावर 1 कम और b का पावर 1 बढ़ जाए, a टू द पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर, ए टू दी पावर एन माइनस 3 बी क्यू डॉट 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 और लास्ट टर्म होगा बी टू दी पावर एन, उसके एक पहले वाला टर्म में बी टू दी पावर एन माइनस 1 होगा और ए टू दी पावर 1 होगा, लास्ट टर्म में ए का पावर 0 हो जाएगा। हम बीच बीच में प्लस अभी डाल रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बात, क्योंकि हर टर्म में
कोई एक नंबर है जिससे कि वो मल्टीप्लाइड है, इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। जैसे आप इसको एक्सपेंड करके जब ये एक्सप्रेशन लिखे थे तो इसमें ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट था 1, ए बी का कोएफिशिएंट था 2, अब बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, 1, 2, 1। दीज थ्री नंबर्स आर कॉल्ड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। इस एक्सपेंशन में द कोएफिशिएंट्स वर 1, 3, 3, 1। यहां लिख रहे हैं, इस एक्सपेंशन में द कोएफिशिएंट्स वर 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबसे ऊपर में हम एक 1 लिख रहे हैं, एक पिरामिड जैसा कोएफिशिएंट्स हम सजाए हैं। अब इस एक्सपेंशन में हमको एक ही चीज आपको बताने को रह गया शेष कि यहां कोएफिशिएंट्स क्या होगा। यहां से लेके अंत तक देर आर एन प्लस 1 कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले जो मैथमेटिशियन इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया था वो थे पास्कल। तो ये जो ट्रायंगल है इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। वो ऑब्जर्व किए कि इन कोएफिशिएंट्स को जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पे जो दो नंबर लिखा है वो अपने ऊपर वाले लेफ्ट एंड राइट कोएफिशिएंट का सम है। यहां जो लिखा है और पहला और आखिरी 1, 1 है। यानी अब हम a प्लस बी टू द पावर 5 का सारा कोएफिशिएंट्स लिख देंगे यूजिंग दिस पास्कल्स ट्रायंगल। टर्म्स तो वहीं लिख देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम a टू द पावर 5, a टू द पावर 4 टाइम्स b, a टू द पावर 3 टाइम्स b स्क्वायर, a स्क्वायर b क्यूब, a टाइम्स b टू द पावर 4 एंड b टू द पावर 5। खाली कोएफिशिएंट सम को देखना है जो कि पास्कल स्ट्रैंगल से देखते हैं। ये 1, ये वाला 5, 10, 10, 5 एंड 1। ये हमारे बहुत काम का तो नहीं है, क्योंकि हम अगर a प्लस b टू द पावर 2020 का कहें कि बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दीजिए, तो हमको इस पास्कल ट्रायंगल से अगर ढूंढेंगे कोएफिशिएंट तो काफी समय लग जाएगा, क्योंकि हमको एक के बाद एक लिखना है। नेक्स्ट वाला लिख देंगे 1, 6, 15, ऐड कर रहे हैं 20, 15, 6, 1। लेकिन न्यूटन हैज गिवन अस समथिंग इवन स्मार्टर। एक और छोटा सा चीज यहां पे देखिए ऑब्जर्वेशन में, कि जो कोएफिशिएंट्स है इधर से और इधर से सिमेट्रिकल है, मिरर इमेज जैसा है। ए टू द पावर 5 का जो कोएफिशिएंट होगा लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट वही होगा। शुरू से जो सेकेंड टर्म है उसका कोएफिशिएंट अगर 5 है तो पीछे से जो सेकेंड टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट भी 5 होगा। सामने से जो थर्ड टर्म है उसका कोएफिशिएंट अगर 10 है तो पीछे से भी जो थर्ड टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट 10 होगा। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि सिमेट्रिकल है, कोएफिशिएंट्स का जो वैल्यूज है आगे से और पीछे से सिमेट्रिकल है। खैर अभी भी वो बात बाकी रह गया कि यहां पे क्या लिखें। न्यूटन सेड NCR। हम लोग NCR को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ते वक्त, बट एक बार और डिफाइन कर दें फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। एक सिंबल डिफाइन कर रहे हैं हम लोग NCR। NCR का डेफिनेशन है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। जहां हम फैक्टोरियल का डेफिनेशन अलग से लिख रहे हैं, 5 फैक्टोरियल बोलते हैं इस सिंबल को, एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा है। ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो पढ़ते हैं फैक्टोरियल 5, और ऐसे लिखते हैं तो 5 फैक्टोरियल बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, बोथ दी सिंबल्स आर यूज इन बुक्स। हम 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस नंबर को 5 फैक्टोरियल बोलते हैं, या इस नंबर 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 × 5 × 4। तो NCR को हम लोग डिफाइन किए हैं n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। यहां n और r सिर्फ नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब यह है
4.2 फैक्टोरियल हैज बट नो मीनिंग. तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स का फैक्टोरियल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स का भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं कर रहे हैं. हाँ, जीरो फैक्टोरियल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एज वन. जीरो फैक्टोरियल का डेफिनेशन हम लोग वन चूज किए हैं. जीरो फैक्टोरियल कहीं भी लिखेंगे तो आपको समझना है कि हम वन मीन कर रहे हैं, और वन फैक्टोरियल का मतलब वी वन मीन कर रहे हैं, टू फैक्टोरियल का मतलब टू, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जब हम ऐसा लिखेंगे, इसको एन सी आर पढ़ेंगे, दोनों नेचुरल नंबर्स होना चाहिए. डेफिनेशन में यहां एन माइनस आर लिखे हैं, तो ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए. एन माइनस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो के लिए भी हम डिफाइन किए हैं. जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट जीरो के लिए भी हम लोग डिफाइन किए हैं फैक्टोरियल को. यानी आर का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन. तो एन सी आर जब हम लिखते हैं तो यहां पर वेयर R can take value 0, 1, 2, dot, 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 n. I am defining NCR. यानी हम अगर 7 लिखते हैं यहां पे n के स्थान पे, तो R के स्थान पे हम 0 से लेके 7 तक कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो मीनिंगफुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा. 7C1, 7C0, 7C2, 7C7 तक हम लिख सकते हैं मीनिंगफुल एक्सप्रेशन. 7C8 मीनिंगलेस, 7C-3 मीनिंगलेस. और इन सब का वैल्यूज हम लोग को कैलकुलेट करने आना चाहिए जल्दी जल्दी. जैसे 7C0 का वैल्यू हो गया 7 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल गुने 7-0 फैक्टोरियल, जो कि 1 हुआ. 7C7 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो 7 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल गुने 7-7 फैक्टोरियल, ये दोनों एक है. 7C1 और 7C6 का वैल्यू देखते हैं हम लोग, वो दोनों सेम आएगा. इसका वैल्यू होगा 7 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल इंटू 7-1 6 फैक्टोरियल. इसका होगा 7 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल इंटू 7-6 1 फैक्टोरियल. 7C2 का वैल्यू 7C5 के बराबर होगा. यानी हम लोग क्या ऑब्जर्व किए NCR के बारे में, कि NCR का वैल्यू और NCN-R का वैल्यू सेम है. 7C2 का वैल्यू और 7C7-2 यानी 5 का वैल्यू सेम आ रहा है. ये पहला प्रॉपर्टी है NCR का. 17C13 का वैल्यू कहें कि निकालिए, तो आपको तुरंत समझ में आना है कि ये 17C4 के बराबर होगा. और इसका वैल्यू कितना होगा, तो 17 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल. इतना लिखने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि 17 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट होकर के ऊपर में सिर्फ बचेगा 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू बाकी सब प्रोडक्ट को 13 फैक्टोरियल कह दें तो कैंसिल आउट होकर के सिर्फ 4 टर्म बचेगा. सिर्फ 4 टर्म, 17, 16, 15, 14. और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल विच इज 4, 3, 2, 1. हम लोग को तेजी से कैलकुलेट करना होगा. 10C2 का वैल्यू बताइए, 10C8 का वैल्यू बताइए विच इज सेम एज 10C2. और ऊपर में 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10-2 फैक्टोरियल इतना नहीं करेंगे, ऊपर में सिर्फ 2 टर्म लिखेंगे 10 into 9. आगे रुक जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे में 2 into 1 और 45 लिखेंगे. एनसीआर का पहला प्रॉपर्टी ये. दूसरा, कि अगर आप एनसीआर का वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, सारा वैल्यूज 17CR का कहें कि सारा वैल्यूज कैलकुलेट कर दीजिए, तो चूंकि आपको पता है कि 17CR में R जो कि एक वेरिएबल है, इट कैन टेक ओनली वैल्यूज डॉट 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 0 to 17. तो आप सारा वैल्यूज कैलकुलेट कीजिएगा 17C0, 17C1 से लेके 17C17 तक. इसका वैल्यू 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल ई 1 होगा.
हमेशा NC0 का वैल्यू 1 होता है, 17C17 का वैल्यू भी 1 होगा क्योंकि वो 17C0 के बराबर होगा। 17C1 का वैल्यू 17 इंटू बस एक ही टर्म लिखना है, आप 17 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल लिख करके भी देख सकते हैं, ये 17 इंटू 16 फैक्टोरियल के बराबर है जो कि कैंसिल आउट होके NC1 का वैल्यू हमेशा n होता है, NC0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, NC1 का वैल्यू फॉर एनी n इट इज ऑलवेज 1, 17C2 का 17C16 का वैल्यू 17C1 के बराबर होगा, 17C2 का वैल्यू 17 इंटू 16 बाई 2 फैक्टोरियल, NC2 का वैल्यू n इंटू n माइनस 1 दो सक्सेसिव टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और 17C15 का वैल्यू वही होगा जो 17C2 का है, 17C3 एक और आखिरी 16 बटे 3 फैक्टोरियल, NC3 का वैल्यू फॉर एनी n, एक शॉर्टर वर्जन लिख रहे हैं n माइनस 2 तक जाइए 3 टर्म डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और उधर से 17C14 का वैल्यू सेम होगा 17, 16, 15 बटे 3 फैक्टोरियल। अगर इन सब वैल्यूज को हम कैलकुलेट करें तो इससे बड़ा आता है ये संख्या, उससे बड़ा, इससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी इनका वैल्यूज बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, चूंकि सिमेट्रिकल है यानी बीच में कोई एक स्थान आता है जहां पर 17CR का वैल्यू ग्रेटेस्ट होता है, सिमेट्री से हम देख सकते हैं कि वो ठीक बीचों बीच होगा वो नंबर 17CR का बीचों बीच। यहां 18 टर्म्स लिखा हुआ है, 17C1 से शुरू करके 17C17 तक गए 17 टर्म, एक 18वां टर्म, सो देयर आर 18 टर्म्स रिटन हियर, 18 का बीचों बीच नहीं हो सकता, ऑड नंबर का बीचों बीच होता है, अगर 5 टर्म लिखा हो 1, 2, 3, 4, 5 तो बीचों बीच एक टर्म होता है, लेकिन अगर 6 टर्म लिखा हो तो बीचों बीच इन दोनों को बीचों बीच कह सकते हैं, पर कोई एक नंबर नहीं है जो बीचों बीच हो, तो यहां पे एक्चुअली में देर आर 2 मिडिल टर्म्स जिन दोनों का वैल्यू सेम होता है, कौन दो टर्म है, यही अगर 18CR का सारा वैल्यूज लिखते तो 19 टर्म्स होता, 18C0 से लेके 18C18 तक 19 टर्म्स होता, तब उसमें बीचों बीच होता, 8 इधर 9 टर्म इधर 9 टर्म उधर, अब बीच में एक टर्म होता जो बीचों बीच होता, यानी इसका सारा वैल्यूज लिखिएगा तो पीक एक पर्टिकुलर टर्म होगा जो पीक होगा, तो हमसे ये एक्सपेक्टेड है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 17CR बता दीजिए या द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 18CR बता दीजिए। तो यहां 18CR का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना बहुत आसान है, सिर्फ 18 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन है, 9 आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा 18C9, और इस केस में 17 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 8.5 आएगा। अब 8.5 बीचों बीच नंबर है, उससे जस्ट पहले का जो इंटीजर है वो है 8, जस्ट बाद 9, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 17C8 और 17C9 जो कि दोनों बराबर होगा। हम लोग देख चुके हैं कि NCX और NCY दोनों बराबर होगा अगर x प्लस वाई का वैल्यू इक्वल टू n हो, तो NCX का वैल्यू और NCY का बराबर होगा, 17C3 का वैल्यू और 17C14 का वैल्यू बराबर होगा, एज लॉन्ग एज दिस प्लस दिस 17 के बराबर हो जाए ये बात सत्य होगा। इस बात को हम लोग समाप्त कर दें, इस सेकेंड प्रॉपर्टी को जो हम ऑब्जर्व किए, हम ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ NCR इक्वल टू दो केस बना के लिखेंगे, n अगर इवन हो NCN/2 इफ n इज इवन।
एन अगर ऑड हो तो भी आपको वही करना है, एन को दो से डिवाइड करना है और उसका इंटीग्रल पार्ट ले लेना है। ये सिंबल हम लोग ऑलरेडी अलजेब्रिक फंक्शंस में क्रिएट कर चुके हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 8.5 पढ़ते हैं इसको, तो हम इसीलिए यहां पे लिखे हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन बाई टू या एन सी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन बाई टू निकाल के 1 ऐड कर दी। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस इफ एन इज ऑड। हम यहां पे प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं ऑफ एन सी आर, दो लिखे हैं और लिख रहे हैं एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल्स एन प्लस 1 सी आर। हम इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। न्यूटन इज सेइंग कि जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे ना a प्लस बी टू द पावर n, तो उसका जो कोएफिशिएंट्स होगा वो n c n प्लस 1 टर्म्स लिखना है, तो कोएफिशिएंट्स होगा n c 0, नेक्स्ट कोएफिशिएंट n c 1, और ये वाला टर्म तो आप जानते हैं a का पावर कम कर दीजिए और b का पावर बढ़ाते जाइए, फिर n c 2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2, यहां जो लिखा है ना 2 b का पावर वही लिखा हुआ है और a का पावर n माइनस उतना लिखा है, बीच का कोई एक टर्म लिख दे n c r, तो b टू द पावर r a टू द पावर n माइनस r, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा टर्म देखने में इसी शक्ल का है। r का वैल्यू केवल बदल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड फाइनली फिनिशिंग एट n, r का वैल्यू n होगा, लास्ट टर्म n c n, b टू द पावर n एंड a टू द पावर n माइनस n, इससे एक टर्म पहले n c n माइनस 1, b टू द पावर n माइनस 1 एंड a टू द पावर n माइनस 1 विच इज 1। इसको कलेक्टिवली चूंकि एक सीरीज है समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, सीरीज को हम लोग हमेशा जानते हैं समेट के लिख सकते हैं, जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला लिखना था तो हम खाली लिखे सिग्मा एन सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इक्वल टू एन इनटू एन प्लस 1 बाई 2, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला लिखना था तो हम ऐसे थोड़ी लिखे इतना बराबर, हम इनको समेट करके लिख दिए सिग्मा एन स्क्वायर, एक फॉर्मूला यहां पे ये हम लोग को याद रखना है। एक बार फिर इसी बहाने आपको हम यहां लिख दिए ताकि बार बार देखते ही देखते ना याद हो जाएगा। सम ऑफ द क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एन क्यूब नहीं लिखते हैं, उसको समेट करके सिग्मा एन क्यूब लिख देते हैं और एक फॉर्मूला जो कि गॉस इसी का स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर, ये हमारे सिलेबस में है, हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ते वक्त इसको याद किए। तो अभी सीरीज को समेट करके हम लिख रहे हैं इस बाइनोमियल x प्लस y लिखे हैं a प्लस b के बजाय, अरे कुछ भी लिख दीजिए a प्लस b ही लिख दीजिए, डजंट मैटर। बाइनोमियल एक्सपेंशन अब हम उसको सीरीज के रूप में लिखेंगे, एक टर्म खाली मालूम होना चाहिए, जनरल टर्म बोलते हैं एन सी आर b रेस टू द पावर r a रेस टू द पावर n माइनस r, r वेरीज फ्रॉम 0 टू n, पूरा सीरीज लिख दिए। मैंने हम इसी को लिखे हैं यहां पे, इसको फैला के लिखने बोलेंगे n c 0 a टू द पावर n, n c 1 a टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स b टू द पावर 1 प्लस n c 2 a रेस टू द पावर ऑफ n माइनस 2 into b raised to the power 2 plus dot 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 n c n into a raised to the power n minus n which is 1 times b raised to the power of n। अब इतना बड़ा चीज को समेट के हम लोग इतना लिखें, अब ncr का प्रॉपर्टी भी देखिए इस तरह से है कि इस एक्सपेंशन में एन सी जीरो और एन सी एन का वैल्यू सेम आता है,
वो हम लोग ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके थे पास कर 1 1, फिर NC1 और NC(n-1) का वैल्यू सेम आता है, वो प्रॉपर्टी में ही निहित है। और कुछ और अच्छा बात हम लोग देखे थे पास्कल स्ट्रैंगल में, ये जो जंगल है ना, ये a+b^2 के एक्सपेंशन में ये सब जानवर पाया जाता है। 2C0, 2C1, 2C2 है ये, 2C0, 2C1 और 2C2 है। ये सारा जानवर a+b^3 के एक्सपेंशन में पाया जाता है। ये 3C0 है, 3C1, 3C2 एंड 3C3, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 है ये। बस ऑब्जर्वेशन का ही तो है खेल। तो देखिए, इस जंगल का कोई दो जानवर को अगल बगल को ऐड कीजिए तो आपको नेक्स्ट जंगल का एक जानवर मिल जाता है। इस जंगल के किसी भी दो जानवर को, इन दोनों को ऐड कीजिए चाहे इन दोनों को ऐड कीजिए, यही है हमारा ये वाला प्रॉपर्टी, NCR+NCR-1। ये दो जानवर है जो इस जंगल में पाया जाता है, कोई भी दो अगल बगल है तो ये NCR जंगल यानी a+b^n के एक्सपेंशन वाले जंगल में ये दो जानवर पाया जाता है अगल बगल, R और R-1 माने अगल बगल। उन दोनों को ऐड करने पर आपको जो जानवर मिल रहा है वो नेक्स्ट जंगल का है, n+1 यानी a+b^n+1 के एक्सपेंशन वाले जंगल में पाया जाने वाला जानवर मिलता है। यही तो लिखा है 3C1+3C2, 3C2 और 3C1 को ऐड कर दीजिए तो आपको 4C2 मिल रहा है। यही ऑब्जर्वेशन यहां लिखा है, NCR और NCR-1, 3C2 और उसके जस्ट पहले वाला जानवर 3C1 को अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा उससे एक हायर ऑर्डर वाले जंगल का जानवर 4C, कौन वाला, ई वाला कि ई वाला। तो वो यहां साफ लिखा है, इन दोनों में जो बड़ा है, ये और ये संख्या में जो बड़ा है वही यहां है। यानी कि अगर कभी 7C3+7C4 का वैल्यू इक्वल टू तुरंत लिखना हो कितना के बराबर होगा तो 8 होगा और C क्या, तो इन दोनों में जो बड़ा है वो पक्का आप चाहें तो वैल्यूज निकाल के चेक कर सकते हैं उसके बराबर होगा। ये मेरा प्रॉपर्टी यही बोल रहा है। एक बार और देख लीजिए, 17C5 और 17C6 ये दो जानवर है जो a+b^17 का एक्सपेंशन कीजिएगा ना तो b^5 a^17-5 का जो कोएफिशिएंट होगा वही है 17C5। 17C6 कौन है, वो b^6 का जो कोएफिशिएंट होगा मल्टीप्लाइड बाय a^11। मतलब इन जानवर को पहचानना जरूरी है। द मोमेंट आई से 17C6 आपके दिमाग में आना चाहिए a+b^17 का एक्सपेंशन और उसमें b^6 का कोएफिशिएंट होगा 17C6, b^5 का कोएफिशिएंट होगा 17C5 और इन दोनों को हम ऐड करके पूछ रहे हैं कि कितना के बराबर होगा तो वो a+b^18 वाले जंगल का एक जानवर 18C कितना लिखें, जस्ट टू रिमाइंड यू कि इन दोनों में जो बड़ा है ना वही यहां पे लिखना है क्योंकि यही तो लिखा है, यहां R था, यहां R-1 और यहां R था तो इन दोनों में बड़ा यही था वही लिखें। और अगर कोई कहे कि जरा इसको प्रूफ कर दीजिए तो करते हैं एक्सपेंड करके प्रूफ। हम स्टार्ट कर रहे हैं LHS से, n^r(n-r)+n^r
आर माइनस वन फैक्टोरियल गुने एन माइनस इतना, एन माइनस आर माइनस वन इट इज एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अब दोनों को हमको ऐड करना है और ऐड करके दिखा देना है इक्वल टू आरएचएस। लेकिन साइड अभी नहीं हम ऐड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। यहां मान लीजिए सेवन फैक्टोरियल लिखा है तो यहां सिक्स ही लिखा है, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं आर से, एक आर से मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर में भी, तो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल ये मल्टीप्लाई कर के डिनोमिनेटर हो जाएगा आर फैक्टोरियल। अलग से फिर से लिख देते हैं आर टाइम्स एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर टाइम्स आर माइनस वन फैक्टोरियल, दिस मीन्स आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू, एक और आर मल्टीप्लाई कर दी अब आर फैक्टोरियल पर। ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, ये अगर 12 है तो ये 12 प्लस वन 13 है, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए एन माइनस आर प्लस वन एक संख्या से, ताकि ये अब एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाए। पहले से 7 फैक्टोरियल है, हम इसको 8 फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं, ऊपर नीचे एक 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 8 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर्स आर सेम, नाउ वी कैन ऐड। न्यूमरेटर में एन फैक्टोरियल को कॉमन ले लीजिए और दिस प्लस दिस कर लीजिए, एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर, तो बचेगा एन प्लस वन, एन फैक्टोरियल टाइम्स एन प्लस वन, जिसको कि हम लिख सकते हैं एन प्लस वन फैक्टोरियल। अब ये आरएचएस है, देखिए हम इसको एन माइनस आर प्लस वन को एन प्लस वन माइनस आर लिख रहे हैं। अब ये एन प्लस वन सी आर के बराबर है, एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू इतना माइनस आर फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। एक और प्रॉपर्टी हम यहीं पे लिख रहे हैं, एन सी आर ऑर्डर में नहीं है, ये ऑर्डर में सबसे पहले तो ये सीखे थे, फिर ये, फिर एक आखिरी एनसीआर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एन प्लस वन बटे आर प्लस वन से, सम नंबर बटे सम नंबर, तो हमको आ जाता है एन प्लस वन सी आर प्लस वन। मतलब क्या लिखे हैं, अगर 17C4 लिखा है इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें 18 बटे 5 से, इससे एक बड़ा नंबर, इससे अब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 18C5 में। चेक करके देखते हैं, 17 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल गुने 13 फैक्टोरियल LHS, हम इसको गुना कर रहे हैं 18 बटे 5 से, यानी न्यूमरेटर में इतना टाइम्स 18 एक नंबर है, ये तो ढेर सारा नंबर्स का प्रोडक्ट है, और डिनोमिनेटर को 5 से गुना कर रहे हैं, तो ऊपर में तो हम लोग को दिखा कि ये 18 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमको दिखा कि 5 गुने 4 फैक्टोरियल ये 5 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, ओ विच इज क्लियरली इक्वल टू 18C5 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। इन जनरल हम लोग इसको प्रूफ करें अगर, तो NCR को एक्सपेंड करें n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल, इसको गुना कर दीजिए न्यूमरेटर को n प्लस वन से और डिनोमिनेटर को r प्लस वन से, सो दिस ट्रांसफॉर्म्स टू, एंड दिस इनटू दिस नंबर ट्रांसफॉर्म्स टू, और ये जस्ट गेट अस। अब ये हो गया, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं n प्लस वन माइनस आर प्लस वन, था ना एन माइनस आर, तो उसको हम लिख सकते ताकि आपको दिख सके कि n प्लस वन सी
आर प्लस वन के बराबर है। अब देखिए हम लोग कुछ एक्सपेंशन करते हैं, सिंपल सिंपल ए प्लस बी टू दी पावर फोर का एक्सपेंशन चाहिए। ए टू दी पावर फोर फोर सी जीरो, फोर सी वन बाइनोमियल कोएफिशिएंट सब बढ़ता जाएगा, फोर सी जीरो फोर सी वन फोर सी टू फोर सी थ्री फोर सी फोर तक जाएंगे। ए क्यूब टाइम्स बी फोर सी टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फोर सी थ्री ए बी क्यूब एंड फोर सी फोर बी टू दी पावर, इसका वैल्यू वन होता है, इसका वैल्यू फोर होता है, फिर रिपीट शुरू होगा फोर ए बी क्यू प्लस बी टू दी पावर। फोर सी टू का वैल्यू फोर इंटू थ्री बट एट टू फैक्टोरियल विच इज सिक्स। दो बड़ा यूजफुल एक्सपेंशन है जो हम लोग को अलग से लिख के याद करना चाहिए। अगर हम ए के जगह वन लिख दें और बी के जगह एक्स, वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन का एक्सपेंशन, ये हम लोग को रटना चाहिए। मतलब तेजी से जैसे ही तो इतना जब भी सवाल बनाने के लिए लेंगे ना बाइनरी पे, तो आपको ये तेजी से याद होना चाहिए, जरूरत पड़ेगा इसका। इसका एक्सपेंशन एन सी आर लिख रहे हैं, केवल एक टर्म याद होना चाहिए टाइम्स एक्स टू दी पावर आर बी टू दी पावर आर टाइम्स वन टू दी पावर एन माइनस आर विच इज नॉट टू बी रिटन, आर वैरीज फ्रॉम जीरो टू एन। लिख दिए इसका एक्सपेंशन, आप फैला के लिखने बोलिएगा तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब प्लस सी आर एक्स टू दी पावर आर प्लस डॉट 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 सी एन एक्स टू दी पावर, क्योंकि ए तो अब वन है ना, खाली बी बोलना है ना, अब बी का पावर्स तो इसी के साथ साथ चलता है। और एक और बात नोटिस कीजिए, हम इस बार नहीं बोले एन सी जीरो प्लस एन सी वन गुने एक्स प्लस एन सी टू गुने एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसा बोले नहीं, ये परमिटेड है कि एन को लिखवे नहीं करें, केवल अंत में लिख दें कि यहां पे सी आर का मतलब हम मीन कर रहे हैं एन सी आर, ऐसा बोलने में बड़ा सुविधा होता है। सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 वन प्लस एक्स टू दी पावर सेवन का एक्सपेंशन लिखिए, तो हम लिख रहे हैं सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 सी सेवन एक्स टू दी पावर सेवन, वेयर सी आर स्टैंड्स फॉर सेवन सी आर। अगर आप वन प्लस एक्स टू दी पावर सेवनटीन का एक्सपेंशन कर रहे होते वहां भी सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 सी सत्रह एक्स टू दी पावर सत्रह लिखते, अब यहां वाला सी और यहां वाला सी डिफरेंट है, ये सी सब सेवन सी थ्री है, यहां पर जो सी थ्री बोल रहे हैं वो सत्रह सी थ्री है, इसीलिए लास्ट में लिखना जरूरी है अगर आप इस तरह से बोलते हैं, नहीं तो थोड़ा मेहनत कीजिए, बोलिए सेवन सी जीरो प्लस सेवन सी वन टाइम्स एक्स प्लस सेवन सी टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन सी थ्री टाइम्स एक्स क्यूब। तो बहुत बार हम बोलते वक्त ना संक्षेप में वो एन को स्किप करके बोल देंगे, लास्ट में हम बोल देंगे कि हम क्या मीन कर रहे हैं, ये आगे डालना है। वन प्लस एक्स टू दी पावर एन का एक्सपेंशन तेजी से आप बोल पाए, सवाल बनाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग को अक्सर इसका इस्तेमाल होगा इस एक्सपेंशन का। और एक वन माइनस एक्स टू दी पावर एन का, ये तो मुश्किल नहीं है, इस बार ए के जगह वन लिखना है और बी के जगह माइनस एक्स लिख देना है, एन सी आर माइनस एक्स रेज टू दी पावर आर। अब इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको माइनस वन टू दी पावर आर टाइम्स एक्स टू दी पावर आर, और इस माइनस वन टू दी पावर आर को भी वहां नहीं लिखते, यहां लिखते हैं। यानी वन माइनस एक्स टू दी पावर सेवन का एक्सपेंशन कहें कि कीजिए, लिखते ऐसे हैं संक्षेप में, पर उसका एक्सपेंशन देखिए, यही एक्सपेंशन है, खाली एक्स की जगह माइनस एक्स डाल देना है,
तो सी जीरो माइनस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, यहां माइनस एक्स का स्क्वायर किया ना तो प्लस ही रह गया, और फिर माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो माइनस, यानी ऑल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस होने लगेगा। गेट यूज टू दीज टू एक्सपेंशन जो कि हम लोग सवाल बनाते वक्त काफी इस्तेमाल करेंगे। माइनस लास्ट टर्म चूंकि एक्स टू दी पावर सेवन है तो माइनस इतना होगा, लेकिन अगर हमको एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अभी तो सिर्फ एन लिखा है ना, तो इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, सी जीरो माइनस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर माइनस सी थ्री एक्स क्यू प्लस डॉट 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 प्लस एक टर्म लिखे हैं, एक जनरल टर्म, तो माइनस वन टू दी पावर आर टाइम्स सी आर माइनस एक्स टू दी पावर आर था जिसको हम माइनस वन टू दी पावर आर यहां लिखेंगे प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे क्या लिखे हैं, यहां माइनस एक्स टू दी पावर एन, अब यहां ना आप जानते थे कि सेवन है तो आप माइनस यहां लिख दिए, तो यहां वही करना होगा माइनस वन टू दी पावर एन टाइम्स सी एन एक्स टू दी पावर एन ऐसे लिखना होगा। अभी जो सीखे हैं उसके अनुसार हम जैसे ही पूछें कि एन सी फोर क्या है, वॉट इज दिस 17C4, कहां पाया जाता है ये, तो अगर आप 1 प्लस एक्स टू दी पावर 17 का एक्सपेंशन करें तो उसमें एक्स टू दी पावर 4 का जो कोएफिशिएंट होगा उसी नंबर को हम बोलते हैं 17C4। यही जवाब देना होगा जब कोई पूछे व्हाट इज 17C4, तो आपका जवाब होगा ये एक नंबर है ना, रियल नंबर 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 बटे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पर उस नंबर का महत्व क्या है, यही जो लिखने जा रहे हैं, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 17। ये जवाब आपको देने आना चाहिए। देखें एक बार 23C15 ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 15 है, कोएफ ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ कौन सा बाइनोमियल का एक्सपेंशन में ये इस तरह का नंबर पाया जाएगा, सिर्फ 1 प्लस एक्स टू द पावर 23 का एक्सपेंशन करेंगे वहीं पे पाया जाता है ये सजान, और 23C0 से लेकर 23C23 तक, और उसमें ये वाला जानवर x टू द पावर 15 के साथ लिखा हुआ पाएंगे। अगली बार जब कभी हम आपसे पूछ बैठें कि ये 23C15 क्या है, कैलकुलेट करके इसका आंसर 23C15 माने 23 फैक्टोरियल बटे 15 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, इट इज सेम एज 23C8, विच इज 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 8 टर्म लिखेंगे 20 इंटू बटे 8 फैक्टोरियल। वैल्यू बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे भी पूछेगा वो यही वैल्यू बता देगा, बट महत्व क्या है इस नंबर का जो ये बताएगा वो आज का क्लास इसका मतलब ध्यान से सुना और कुछ सीख के जा रहा है। क्वेश्चन, हमको 15C0 15C1 से लेकर 15C15 तक का सम चाहिए, इसको एस पहले, तो हमको ये सीरीज है, समथिंग प्लस समथिंग, अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, ज्योमेट्रिक सीरीज भी नहीं है, ये सब नंबर्स अरिथमेटिक सीक्वेंस में नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है सबके बीच, ना ही ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, कॉमन रेशियो भी नहीं है, बट सीरीज तो है, बाइनोमियल सीरीज है, इसका वैल्यू बताइए। तो देखिए हम कितना आसानी से बता सकते हैं इसका वैल्यू को, हम पहले ये सब जानवर जहां पाया जाता है ना उसको लिख लें, 1 प्लस एक्स टू द पावर 15, दिस इज अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ x, और इसका आइडेंटिकल फंक्शन है 15C0 प्लस 15C1 x प्लस 15C2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 15C15 टाइम्स, ये फंक्शन और ये फंक्शन आर आइडेंटिकल फंक्शंस,
मैंने हम इस फंक्शन को अगर नाम दे एफ ऑफ एक्स, तो इसको भी हम नाम दे सकते हैं एफ ऑफ एक्स। यानी हम एफ ऑफ टू का वैल्यू पूछे हैं तो आप इसमें डाल करके 1 + 2, 3 to the power 15 का वैल्यू बताइए, या इसमें डाल दीजिए एक्स की जगह 1, 2, एक एक करके सबका वैल्यू निकाल के एड कीजिए, यू गेट द सेम आंसर। नॉट ओनली फॉर एक्स इक्वल टू टू बट फॉर एवरी रियल नंबर फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड। दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0.3, एफ ऑफ किसी भी नंबर के लिए इस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा और इस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा सेम आएगा। हेंस दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल। तभी तो हम इतना बराबर इतना जो लिखते हैं कहते हैं कि ये आइडेंटिकली ट्रू है। यानी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स ट्रू है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, ये दोनों आइडेंटिटीज है। यानी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जो मन सो डाल दीजिए, इधर डालिए वही आंसर आएगा, उधर डालिए वही आंसर। साइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी के सम के बराबर होगा, ये आइडेंटिकली ट्रू है। तो ये आइडेंटिटी लिखे हैं हम यहां, द फंक्शंस आर आइडेंटिकल। तो चलिए ना, अब हमको जो वैल्यू चाहिए इतना प्लस इतना प्लस इतना, इस फंक्शन में एक्स के जगह अगर हम 1 डाल दें तो जो बचेगा वही तो है मेरा सीरीज, तो इधर भी 1 डाल देते हैं। इधर 1 डालने पर वैल्यू आता है फंक्शन का 2 to the power 15, और इधर 1 डालने पर जो वैल्यू आता है 15c0 + 15c1 + 15c2, तो हम खोज दिए इसका वैल्यू, इट इज इक्वल टू 2 to the power 15, जो कि आज हम लोग प्रूव कर पाए कि एन सी जीरो से लेकर के एन सी एन तक का जो सम है उसका वैल्यू कितना होगा। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ाते वक्त हम कहे कि आप इसको याद कर लीजिए, हम लोग प्रूव करेंगे जो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस फंक्शन, यानी इधर एक्स का कोई वैल्यू डाल सकते हैं और इधर वही वैल्यू डालिए, दोनों वैल्यू पक्का बराबर होगा। तो डालिए इधर, दोनों तरफ एक्स के जगह 1 डाल दीजिए, तो इधर 2 to the power n आता है, उधर c0 + c1 + c2 + तो मेरा एक और प्रॉपर्टी हो गया, c0 + c1 + c2 + cn तक का सम, जहां हम n नहीं भी लिखें तो मीन कर रहे हैं। ये अब चार प्रॉपर्टी के बाद एक पांचवा प्रॉपर्टी, अगर हम इस आइडेंटिटी में x के जगह 1 डालते दोनों तरफ तो हमको क्या मिलता, इधर 0 हो जाता, इधर बचता c0 - c1 + c2 - c3 + -1 to the power n c n का वैल्यू 0 होगा। यानी कि c0 c2 c4 ... विल बी इक्वल टू c1 + c3 + c5 + ... अगर हम 5c0 5c1 ये सब नंबर्स है, 5c2 5c3 5c4 5c5 वैल्यूज लिख दें, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार इतना प्लस इतना प्लस इतना का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू होगा इतना प्लस इतना प्लस इतना। यही तो प्रूफ किए हम लोग। और ईच का वैल्यू इक्वल टू कितना होगा, जैसे सबको ऐड कर दिए हम c0 + c1 + c2 + cn सबको ऐड कर दिए तो इतना के बराबर आ गया। जैसे हम इन सबको ऐड कर देते तो 2 to the power 5 32 के बराबर आता। उसके बाद हम कह रहे हैं कि this plus this इज इक्वल टू this plus this, तो इन तीनों के सम को हम अगर s1 कहें, इन तीनों के सम को अगर हम s2 कहें, S1 plus S2 का वैल्यू तो 2 to the power 5 है और S1 equal to S2 है, तो हम 2S1 equal to 2 to the power 5 तो each equal to 2 to the power 5 बटे 2 यानी 2 to the power 4 यानी each equal to कितना, तो 2 to the power n बटे 2 यानी 2 to the power n minus 1। This एंड दिस ये वन सिंगल प्रॉपर्टी है
कि सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को अगर हम ऐड कर दें NC0 से NCN तक, तो वो 2n के बराबर आएगा। और अगर हम दिस प्लस दिस भी एक छोड़ छोड़ के ऐड करें तो उसका वैल्यू आधा होगा, आधा कंट्रीब्यूशन इनके कारण और आधा कंट्रीब्यूशन इनके कारण होगा। एक बार फिर से प्रूफ कर रहे हैं, यहां जो दो एक्सपेंशन लिखे हैं ना, जितना भी सवाल बाइनोमियल से रिलेटेड होता है वो इन्हीं दोनों एक्सपेंशंस के मदद से बनाते हैं हम सब। तो इन दोनों एक्सपेंशंस को ना आज घर पहुंचने से पहले रास्ते में याद हो जाना चाहिए। बोलना शुरू कीजिएगा ना, याद हो जाएगा मेरे साथ साथ। जैसे हम बोलते हैं मन, 1+x^n=c0+c1x+c2x^2+c3x³+...cn(x^n), और nc2 का मतलब, ये nc2 का मतलब n(n-1)/2, और nc3 का मतलब n(n-1)(n-2)/3, so on and so forth। n मत बोलिए ना, c0+c1+c2 इस तरह से बोलिए। 1-x^n का एक्सपेंशन बोलना है तो खाली अल्टरनेट करना है प्लस माइनस प्लस। हम अगर इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दें, 1+x^n+1-x^n, ऐड करके नया फंक्शन बना रहे हैं, इक्वल टू ऐड कीजिए, ये टर्म सब कट जाएगा, अब बचेगा 2c0+c2x^2+c4x^4+c6x^6, सब लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस डॉट डॉट। और अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए होते तो बाकी कोएफिशिएंट्स मिल जाता। इसमें सारा जानवर था ना, c0 से लेकर cn तक, अब इसमें सब नहीं है, तो c1 c3 c5 मिसिंग है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तब ये सब मिसिंग हो जाएगा। 2 times this - this करिएगा तो c1x c3x³c5x5+ a सब बचेगा। हम आपसे पूछे अगर सबका सम चाहिए c0 से cn, तो इसी जंगल में हम x के जगह 1 डाल दें तो हमको सबका सम निकल जाएगा 2^n। अगर हम सिर्फ c0 c2 c4 c6 का सम पूछें, तब इस नए फंक्शन में डालिए ना x के जगह 1 दोनों तरफ, इधर बचेगा c0 c2 c4 c6 वाला सम 1 1 2 times, इधर क्या बचेगा x के जगह 1 डालने पर 2^n+0। 2^n = 2 times इस सम को हम s1 नाम दें, s1 का वैल्यू आप निकाल लिए, 2^n-1। हम इसी बात को फिर से प्रूव कर रहे हैं, इतना का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पहले एक ऐसा जंगल बनाए जिस जंगल में सिर्फ यही सब जानवर मौजूद हो, एंड ऑल वी नीडेड टू डू वाज ऐड दीज टू जंगल्स एंड डिवाइड देम बाय 2। अब आप इसमें x के जगह 1 डाल दीजिए। अगर हमको सिर्फ इनका वैल्यूज चाहिए तो एक ऐसा जंगल क्रिएट कीजिए ना पहले, जहां सिर्फ यही सब जानवर पाया जाता है। सब्ट्रैक्ट करके हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमको वो जंगल मिल जाएगा। और अब x के जगह 1 डालिए इसमें, 2^n-0^n/2, सेम आंसर आएगा 2^n-1। 2x+3y^11 का एक्सपेंशन लिख रहे हैं। जिन वैल्यूज को हम नहीं लिखे, जैसे x और y का वैल्यूज इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो उनको हम वेरिएबल्स बोलेंगे। यानी हम इस एक्सप्रेशन में देर आर 2 variables x एंड y। यानी हम इस एक्सप्रेशन को कह सकते हैं इट इज अ फंक्शन ऑफ x, y, और ऐसे लिखते हैं, यानी f(-1, 1) का वैल्यू बताइए। माने हम पूछना चाहते हैं कि x के जगह -1 डाल दें और y के जगह 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यही पूछना चाहते हैं। क्योंकि आप 3-2, 1^11, आप आंसर बोलेंगे 1। f ऑफ
0.1 का वैल्यू पूछेंगे, मतलब x की जगह 0। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर हम 2x + 3/x लिख देते तो हम कहते कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल x। जब भी इस फंक्शन का वैल्यू हम आपसे जानना चाहते, एक वैल्यू बताते x का, आप फंक्शन का वैल्यू पूछते कि फंक्शन का वैल्यू बताइए फॉर x इक्वल टू 2, तो आप 2 डालते आंसर निकालते। तो अभी हम एक एक्सप्रेशन लिखे हैं, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन, चूंकि ये बाइनोमियल है, यहां पावर में नेचुरल नंबर लिखा है, हम अगर आपसे कहें कि इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दीजिए, जब बोलेंगे तब कीजिए, कैसे क्या करिएगा, इतना सुंदर फॉर्म में तो लिखा हुआ है, समेट हमेशा सिमटा हुआ फॉर्म अच्छा लगता है, पसरा हुआ नहीं। लेकिन अगर हम आपसे इंसिस्ट करें कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, तो लिखते हैं 11c0 टाइम्स 2x^11, 11c1 टाइम्स 2x^10 एंड b^1 प्लस 11c2 2x^9 3y^2। इन सबको संक्षेप में लिखना हो तो हम ऐसे लिख देते इक्वल टू 11cr 2x^11 माइनस r टाइम्स 3y^r। ये बहुत जरूरी है कि हम इसको इस रूप में भी लिख पाए, एंड r वेरीज फ्रॉम 0 to 11। और अगर हम उसको कहें कि एक्सपेंड करके लिखिए तो हम इस रूप में भी लिख पाए, प्लस अभी डॉट 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 चलेगा, 11c11 टाइम्स 3y^11। ये लिखने भी आना चाहिए, इनफैक्ट इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये लिख पाना, क्योंकि एक बार अगर आप ये लिख दिए तो आप इसमें r का वैल्यूज खाली डालते जाना है, हम सारा टर्म्स लिख लें। इसमें 2^11 को हम यहां लिख रहे हैं टाइम्स 11c0 x^11 समथिंग इनटू x^11 प्लस 2^10 इंटू 3^1 इंटू 11c1 समथिंग इंटू x^10 टाइम्स y^1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अभी सीख रहे हैं। ये जो वेरिएबल्स है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है, ये कोई फिक्स्ड नंबर है, इनको बोलते हैं द कोएफिशिएंट्स। इस पूरे नंबर को बोलते हैं कोएफिशिएंट, केवल इसको नहीं, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। लेकिन इस एक्सपेंशन में अगर हम पूछें कि थर्ड टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, द सेकंड टर्म एंड द थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट खाली बता दीजिए, तो अभी हम सारा लिखे ना 1, 2, 3, तो जवाब आपको ये देना है जो अभी लिखने जा रहे हैं, 2^9 11c2 इंटू 3² इंटू 11c2 टाइम्स x^9 y², ये जवाब देना है आपको। जब हम पूछेंगे इसके एक्सपेंशन में थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट बताइए, तो जवाब आपको ये देना है। तो कैसे देंगे जवाब, उसको जरा स्मार्ट बना ले हम लोग। जब भी ऐसा सवाल हो कि इस एक्सपेंशन में टोटल 12 टर्म है ना, हम कोई टर्म पूछें स्ट्रेट अवे एकदम दसवां बता दीजिए, बस बाकी मत लिख के हमको दिखाइए बेवकूफ की तरह, जस्ट गिव मी दी 10th टर्म और जस्ट गिव मी दी 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और गिव मी दी 4th टर्म फ्रॉम द एंड। एक टर्म पूछेंगे पर्टिकुलर तो आप कैसे जवाब देंगे वो सीख रहे हैं। क्या करना होगा, ये लिखना होगा सबसे पहले, जब तक ये नहीं लिखिएगा मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाइएगा। इसका हम एक्सपेंशन इस रूप में लिखेंगे, r वेरीज फ्रॉम 0 to 11, 11cr जो यहां लिखा है, इसमें 2^11 माइनस r इंटू 3^r, ये आप पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, लेकिन आपको समझना होगा कि इंटू x^11 माइनस r टाइम्स y^r, ये जो पूरा टर्म है एक्सप्रेशन है यही है द कोएफिशिएंट।
ये कौन सा टर्म आप लिखे हैं, ये जो टर्म लिखे हैं ये कौन सा टर्म लिखे हैं, आर के जगह जीरो डालिएगा तो दैट इज द फर्स्ट टर्म, आर के जगह जब वन डालिएगा तो दैट इज द सेकंड टर्म, आर के जगह फाइव डालिएगा तो दैट इज द सिक्स्थ टर्म, यानी ये जो लिखा है ये आर प्लस वनथ टर्म लिखा हुआ है, आर प्लस वनथ टर्म, टी वन टी टू, टी वन जब लिखने के लिए कहेंगे तो आप आर के जगह जीरो डालिएगा, इलेवन सी जीरो वगैरह वगैरह, जब सेकेंड टर्म बोलेंगे कि लिखिए तो इसमें आर के जगह वन डालिएगा, फिफ्थ टर्म बोलेंगे कि लिखिए तो आर के जगह फोर डालिएगा, एक कम डाल रहे हैं, यानी ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है दिस इज नॉट द आरथ टर्म, दिस इज द आर प्लस वनथ टर्म, तो आप जो ये एक्सप्रेशन लिखे हैं आर प्लस वनथ टर्म का एक्सप्रेशन होगा एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर टाइम्स बी टू द पावर आर, ये जो एक्सप्रेशन यहां लिखा है इट इज द आर प्लस वनथ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, ये जानना आवश्यक है क्योंकि जिमेंट आप इस बात को जान गए अब आप तुरंत बता दीजिएगा इस एक्सपेंशन का कोई पर्टिकुलर टर्म हम पूछेंगे आप बता दीजिएगा, ये अंतिम बात कर रहे हैं हम सब। इस एक्सपेंशन में कुल 12 टर्म है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि सिक्स्थ टर्म बताइए, सिर्फ छठा, तो हम लोग जो सीखे हैं उसके अनुसार आप 11c एक कम यहां पे डालेंगे 5, बस बाइनोमियल कोएफिशिएंट जहां आप लिखे, अभी कोएफिशिएंट नहीं लिखे लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर आप लिख लिए, r प्लस वन टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है nc एक कम, तो हमको अगर सिक्स्थ टर्म चाहिए इस एक्सपेंशन का सिक्स्थ टर्म, तो हम लिखेंगे t6 इक्वल टू सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख लीजिए बाकी खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि तब अब a प्लस b है ना, तो b टू द पावर यही नंबर लिखना है और a टू द पावर इतना माइनस इतना लिखना है। इस एक्सपेंशन का हमको नाइन्थ टर्म चाहिए, तो आप लिखेंगे t9 इक्वल टू, जवाब केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखना है एक कम, बाकी हम लोग लिख लेंगे b टू द पावर 8 एंड a टू द पावर 11 माइनस 8, और अगर हमको सिक्स्थ टर्म का, ये तो पूरा टर्म ही लिख दिए ना, अगर सिक्स्थ टर्म का सिर्फ कोएफिशिएंट पूछिएगा तो पहले तो टर्म लिख लेंगे और तब लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ t6 इक्वल टू 11c5 टाइम्स 2 टू द पावर 6 टाइम्स 3 टू द पावर 5। अब हम सिर्फ उसमें जो फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स है वेरिएबल्स के अलावा उनको यहां लिखेंगे, एक बार और देख लीजिए 2 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 टू द पावर 15, इस फंक्शन का सेवेंथ टर्म का कोएफिशिएंट बताइए, तो हम पहले सेवेंथ टर्म लिखेंगे 15c क्या, बस खाली उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर आपको पता हो कि सेवेंथ टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा 15c, 15c 0 से लेके 15c 15 तक जाएगा ना, तो सातवां टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट इतना होगा। अब बाकी लिख लेंगे हम लोग, इसमें दो टर्म है इतना प्लस माइनस ऑफ इतना a प्लस b, अब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 टू द पावर 6 होगा एंड 2 बाई एक्स टू द पावर 15 माइनस 6 9 होगा। आप लिख लिए डायरेक्टली इसका सातवां टर्म लिख लिए, और अगर हम कोएफिशिएंट पूछे कोएफिशिएंट ऑफ द सेवेंथ टर्म इक्वल टू 15c6, यहां हम लोग माइनस 1 बाई 3 टू द पावर 6 ऐसे लिखना पड़ता है और 2 टू द पावर 9, वैसे इसको जरा फैला के लिख लें तो 15c6 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6, ये माइनस 1 टू द पावर 6 प्लस हो गया, अब बचा x टू द पावर 12
डिवाइडेड बाय x टू द पावर 9 यानी x क्यूब, ये हमारा सेवेंथ टर्म है एग्जैक्टली और इसी को बोलते हैं द कोएफिशिएंट। तो आप जब एक बार टर्म लिख दीजिएगा तो कोएफिशिएंट आपको दिख जाएगा। अगर हम पीछे से पूछें सिक्स्थ इसका पीछे से छठा या पीछे से सातवां, ये टी सेवन फ्रॉम बिगनिंग इधर से पीछे से सातवां टर्म, तो उसको कुछ हम टी सेवन ब्राइन कह दे रहे हैं, उसको टी सेवन नहीं बोल सकते। पीछे से सातवां कैसे लिखेंगे तो उसका तरीका सीख लीजिए। आपको केवल इतना याद रखना है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट खाली लिख दीजिए, बाकी हम लिख देंगे। ये जहां लिखे हम ये लिख देंगे। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, पीछे से सातवां का बाइनोमियल कोएफिशिएंट वही होगा जो आगे से सातवां का बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है। तो बस यही होगा। हाँ, यही अंतर होता है कि 15c पीछे तरफ से लिखा होता है तो 15c 15-6 लिखा होता है। तो पहले हम मन में आगे से सातवां टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख लिए और उसको हम फिर 9 लिख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 15c6 और 15c9 का वैल्यू सेम है। लेकिन यहां फर्क पड़ेगा क्योंकि यहां पे b टू द पावर अगर आप 6 लिख दीजिएगा तो b टू द पावर 6 लिखिएगा, i टू द पावर 9 तो सेम लिखा जाएगा। एक्चुअली में अब यहां पे b टू द पावर 9 लिखना है और a टू द पावर 6 लिखना है आगे से और पीछे से। कोई भी पर्टिकुलर टर्म हम कहें कि स्ट्रेट अवे लिख दीजिए तो आपको लिखने आना चाहिए, बस बाइनोमियल कोएफिशिएंट याद रखिएगा कि लिखना है। एंड अंत में तो वही एक बात है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वी प्रैक्टिस। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का सारा कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए हमको, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम नहीं, वो तो आप तुरंत बता दीजिएगा। कोई भी a प्लस बी टू द पावर 15 का एक्सपेंशन कीजिएगा तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स 15c0 से लेकर 15c15 तक आएगा, उनका सम हम लोग ऑलरेडी अब प्रूव करके रख चुके हैं 2 to the power 15। हम कोएफिशिएंट्स का सम पूछ रहे हैं और अभी आपको बताए हैं इतना मेहनत करके कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड कोएफिशिएंट्स। जैसे हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं 15cr टाइम्स 2 बाई x टू द पावर 15 माइनस r माइनस x स्क्वायर बाई 3 टू द पावर r, r वेरीज फ्रॉम 0 टू 15 इक्वल टू 15cr टाइम्स 2 टू द पावर 15 माइनस r माइनस 1 बाई 3 टू द पावर r, जिसको कि हम 3 टू द पावर r यहां लिख रहे हैं और माइनस 1 टू द पावर r को यहां लिख रहे हैं। इसी एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इनटू यहां पे x टू द पावर 2r है और यहां x टू द पावर 15 माइनस r है, इसको हम 2r माइनस 15 माइनस r लिखेंगे न्यूमरेटर में, यानी x टू द पावर 3r माइनस 15। तो इस का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिए, r वेरीज फ्रॉम 0 टू 15। ये r प्लस वनथ टर्म है और ये r प्लस वनथ टर्म का कोएफिशिएंट है, इनका सम हम चाहते हैं। यहां से जब टर्म्स लिखना शुरू कीजिएगा ना एक्सपेंड करके, r के जगह 0 डालिएगा तो x टू द पावर माइनस 15 समथिंग इनटू x टू द पावर माइनस 15 माने समथिंग इनटू 1 बटे x टू द पावर 15 प्लस उसी तरह से r के जगह 1 डालिएगा तो समथिंग इनटू x टू द पावर माइनस 12 प्लस समथिंग इनटू x टू द पावर 2 डालिएगा प्लस डॉट 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 r के जगह लास्ट में 15 तक जाइएगा तो x टू द पावर 30 समथिंग इनटू, हम दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस का वैल्यू चाहते हैं सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स नॉट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये भी उतना ही आसान है। अगर आप इस फंक्शन का आइडेंटिकल फंक्शन जानते हैं लिखना, ये लिखना नहीं होता,
लिखना तो बस इतना होता है, लेकिन अब आप इतना प्लस इतना प्लस इतना का वैल्यू निकालना है तो करना कहां कुछ है। हम x के जगह 1 डाल देते हैं दोनों तरफ, तो इस तरफ क्या बचेगा, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स बन जाएगा और इस तरफ जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा 2 - 1/3 to the power 15 विच इज 5/3 to the power 15। यानी कि हम इनका कोएफिशिएंट्स एक्चुअली में लिखते सारा और उनको ऐड करते तो एग्जैक्टली इतना ही के बराबर आता। चलिए आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।